अहो चलिए, मेहमान अभी भी इंतजार कर रहे होंगे आपसे मिलने के लिए। अब भी नाराज है मुझसे? हाँ बाड़ू, बाड़ू क्या है? नाराज नहीं हूं रे, उदास हूं थोड़ा सा। बड़ी उम्मीद थी मुझे कि आज के इस अवसर पर चुप चुप के ही सही, लेकिन हमारी बहू अमोल की सुप्रिया आएगी जरूर। दरवाजे से नजर हटाई नहीं थी मैंने। रवि, अरे हो सकता है आज जो जो हड़बड़ी हुई, जो कलेश हुआ, उसी के दौरान वो आके चली गई हो। नहीं, अगर वो आई होती तो उसके आने का कोई ना कोई निशान तो पक्का छोड़ के गई होती। आज ना सही, लेकिन निशान तो वो छोड़ के गई थी। ये कंपास बॉक्स किस दुकान से खरीदे गए हैं उसका पता मैंने लगा लिया है। सुप्रिया तक तो मैं पहुंच के रहूंगा, उसे न्याय दिलवा के रहूंगा मैं। बिस्किट, बिस्किट, बिस्किट ले लीजिए। बिस्किट, अरे वाह, क्यों बनाए? नहीं नहीं पापा, हमें नहीं चाहिए, लौटा दीजिए। लेकिन इसने कितने प्यार से दिया है बंडिया। पापा आप गुड बॉय है ना? हाँ मैं गुड बॉय हूँ। ले, नहीं चाहिए मेरे को बिस्किट। चॉकलेट, चॉकलेट, चॉकलेट। अमोल भैया क्या कर रहे हैं आप? अरे मैंने बिस्किट बिस्किट बोला ना तो मुझे बिस्किट मिली, अभी मैं चॉकलेट चॉकलेट बोलूंगा ना तो मुझे चॉकलेट मिलेगी। पापा ऐसा करने को बैगिंग कहते हैं। बैगिंग? भीख मांगना। जिनके पास नहीं होती है ना चीजें, वो ऐसा करते हैं। अरे मतलब जो चीज नहीं है वो मांग सकते? हमारे पास सब कुछ तो है। नहीं, तेरे पास कहाँ है तेरी मम्मी? और मेरे पास कहाँ है मेरी पत्नी सुप्रिया? सुप्रिया, सुप्रिया, मम्मी, बंडिया की मम्मी सुप्रिया। अमोल भैया, अमोल भैया, इसकी मम्मी आपकी पत्नी सुप्रिया को मैं ढूंढ के लेकर आऊंगी। आई प्रॉमिस यू। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। पर अभी अभी प्लीज आप मेरे बिस्किट को ढूंढिए ना प्लीज। बिस्किट? हाँ बिस्किट, 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 बिस्किट। चल चल उर्मिला, हाँ इश्तियार दे देते हैं, ये एजेंट छपा देगा। भाई साहब आप अखबार में इश्तियार छपवाते हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल। तो शाम के अखबार के लिए एक इश्तियार देना है पुणे संध्या समाचार में। जी कैसा इश्तियार और कितने कॉलम्स का? देखिए भाई साहब आप ये कॉलम वॉलम आप तय कर लीजिए, लेकिन इश्तियार में क्या लिखना है क्या छपवाना है वो सुन लीजिए। हाँ प्यारे बिस्किट घर जल्दी वापस आ जा, मम्मी पापा बीमार है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अरे सॉरी माफ करना, आपका बेटा भाग गया घर से? हाँ ये देखिए। गोद लिया होगा ना, क्योंकि आप दोनों जैसा तो बिल्कुल नहीं दिखता। इसकी माँ पे गया है महेंद्र। अरे, अरे भाई तू इश्तिहार छापने आवे? अरे मैं तो छपवा दूंगा, लेकिन ये आपका कुत्ता पढ़ेगा कैसे? वो उसको आता है हिंदी मराठी पढ़ना। हाँ ज्यादा हो गया महेंद्र, ज्यादा हो गया जरा। खुद की फोटो देखेगा तो समझ ही जाएगा ना वो। थोड़ा और कम, और कम, थोड़ा और कम। भाई साहब कोई भी आदमी ये इश्तिहार देखेगा, हमारे कुत्ते को देखेगा तो समझ जाएगा ना कि हमारा कुत्ता खो गया है। इससे कम मत करवाना। ए आशावरी नीट जा, अरे पोछले और कड़ोगा। हाँ, हाँ। अरे भारती ये शाल। अगो भाई मैं महेंद्र माओ के घर पे जाके देने वाली थी, अब मैं अब भी जाके। अच्छा रहने दे रहने दे, मैं स्वतः ही चला जाता हूँ। अरे लेकिन उनके घर में वो कुत्ता,
कुतरा तो हाँ। अरे प्रभाकर जी अन्ना, वो अभिषेक को वो कुतरा मिला क्या? पता नहीं अन्ना, वो फोन लगा के पूछू उसे। नहीं नहीं, तू बड़ा सा माइक्रोफोन ले और छत पे जा और उसमें चिल्ला, अभिषेक कुतरा मिला, कुतरा मिला, कुतरा मिला, लाठे सेल है, कुतरा मिला, बिस्कुट मिला, खारी बिस्कुट मिला। बेड़ा एक मिनट अन्ना, पापा ने तो ऐसे ही पूछा, इसमें ताना मारने की क्या जरूरत थी? अरे सुचिता, ये पिता है इनके और ये मेरे पिता है मम्मी, मान नहीं दे सकते ना सही, कम से कम अपमान तो ना करें इनका सबके सामने। चुप कर, अपनी सीमा में रह। सॉरी अन्ना, लेकिन नहीं नहीं, पूछो पूछो, ये तो मुझे भी जानना है कि सीमा का इशारा ऐसे कसरत का इशारा के जैसे कैसा हुआ? जी वो मेरी चचेरी बहन सीमा, वो पीटी टीचर है ना स्कूल में, वो व्यायाम सिखाती है। अप्रतिम अप्रतिम, थैंक यू बोल रही है। पर तू सुचिता हद से ज्यादा बोलने लगी है, और ये मैं अगर भाई, ये तो मुंह चढ़ा के चली गई। उसे तो मैं, आप शांत रहिए। मैं शांत हूँ, देखा ना, ये कह रहा था मैं, अनुशासन तोड़ना बहुत आसान हो गया है सबके लिए। अच्छा सुनो सब लोग सुनो, इस घर में जैसा मैं चाहूंगा वैसा ही होगा, चाहे वो सही लगे या गलत, समझ गए? बोलो हाँ हाँ। प्रभाकर बाड़ा फोन करना अभिषेक को, तब तक मैं ये शाल बिल देख के आता हूँ। अरे जाते ही पूछेंगे कुतरा किधर है, कुतरा किधर है, कहाँ पे होगा वो कुतरा, नाम भी बिस्कुट रखते हैं कुतरे का। बिस्किट। अरे अन्ना साहब, अन्ना साहब, आज दोपहर को जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं माफी मांगना चाहता हूँ। अरे नहीं नहीं अन्ना भाई, ऐसा नहीं, गर्मा गर्मी में मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई। हाँ। इसके लिए माफी तो मैं मांगूंगी। अरे ऐसे कैसे, वो क्या है ना, मैंने ही आपकी बेबी को बुरा भला बोल के आपको उकसाया, तभी तो। लेकिन अन्ना भाई, आप विभावरी बेन को लेके अपसेट थे ना, तो ये बात मुझे समझनी चाहिए थी ना। नहीं लेकिन मेरे निजी मामले को लेकर आप लोगों को आड़ा टेढ़ा बोलना योग्य था क्या मेरे लिए महेंद्र भाऊ? अरे पण गायत्री को अपना समझ के आपने डांटा ना, उल्टा मैं आ गई आपके यहाँ पे खोटा राड़ा राड़ करने को, इसलिए माफी तो मुझे ही मांगनी चाहिए, बात खत्म। अरे मैंने तय कर लिया है ना कि गलती मेरी है, तो सॉरी पहले मैं ही बोलूंगा। जोयू? जोयू? अवट नो कटको। क्या 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 कटको बिटको? और नहीं तो क्या, माफी पहले कौन मांगेगा, ये बात में भी आपको टंगड़ी ऊंची रखने की है। क्यों? आपने मुझे छोटी बहन बोला है कि नहीं बोला है? हाँ तो फिर छोटी बहन के नाते मेरा हक बनता है ना पहले माफी मांगने का। सुधाकर भाई, प्रभाकर। हाँ भाई हाँ, सेम अवे। नहीं नहीं, सेम नहीं है, सेम नहीं है। अरे दोनों के नाम में पीछे कर आता है ना, तुम तो वैसे तो जोकर के पीछे भी कर आता है, तो क्या इसको जोकर भाई बुलाओगी क्या? कुकर में भी है कर। हाँ बाकर में भी। ओ हो, हालों को तो हमें इस बात में भी ये लोग बहस करने बैठ जाएंगे। आप ही कुछ समझाइए ना उपासना बेन। जोत्सना नहीं, मैं बाल की खाल नहीं निकाल रहा हूँ, अब नाम का पूरा नक्शा ही बदल देती है। आहो आहो आहो, मैं शांति हूँ। शाल। आहा, शाल। ये शाल, अरे गुजरात कला सदन, वहां से खरीदी आपने ये? क्यों, पुणे में रहकर भी? अन्ना साहब, हमने सोचा कि आपके घर में गुजरात की कलात्मक चीजें नहीं होंगी ना, इसलिए हमने ये शॉल खरीदी। लेकिन ऐसे ही छोड़ के चले गए थे? तो जो, अरे आपने ही बोला था ना कि उर्मिला बहन, बेहतर यही होगा कि आप अपनी इस बेटी गायत्री को लेके यहाँ से चले जाए।
भूल गए? हाँ तो आप वापस नहीं आ सकते थे क्या? हाँ ठीक से तोहफा देने के लिए? हम पुणेरी मराठी लोग तो ऐसे प्रेम से भेंट देते हैं यजमान को। और अन्ना साहब, हम गुजराती काठियावाड़ी लोग भेंट देते नहीं हैं, भेंट न्योछावर करते हैं। आपको दुकान की शताब्दी बहुत बहुत मुबारक। धन्यवाद दीदी। गायत्री दीदी रोइए मत ना। देख ना बंडिया, इतने बड़े शहर में हम हमारा नन्हा सा बिस्किट कैसे ढूंढेंगे? वो बेचारा तो गाड़ी के हॉर्न से भी डर जाता है। गायत्री गायत्री ये देख, मैं बिस्किट लेके आया। हेलो मस्त वाला बिस्किट। पापा ये बिस्किट नहीं। ओ हेलो हेलो, क्या क्या क्या, अरे लाओ यार। क्या लाओ, ये हमारा बिस्किट है। तुम्हारा बिस्किट है? ये मेरा टाइगर है। ये देखो, इसको टाइगर बोलता है। ये डॉग है, डॉग। टाइगर जो होता है ना, उसके बॉडी पे ऐसे ऐसे निशान होते हैं, गोल गोल। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, जो गोल गोल निशान होते हैं वो लेपर्ड पर होते हैं, टाइगर पर स्ट्राइप्स होती हैं। स्ट्राइप्स? स्ट्राइप्स है इसके ऊपर? स्ट्राइप्स है नहीं ना, तो टाइगर कैसे हुआ? छे अमोल भैया, ये हमारा बिस्किट नहीं है। आई एम रियली सॉरी, ये थोड़े से नादान है। चलो चलो टाइगर, कम ऑन माय बॉय, कम 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 कम। पापा आपको पता है ना बिस्किट कितना छोटा है। हाँ, तो क्या हुआ? अरे इसको अपने मामा के वॉशिंग मशीन में धोने को डालते ना तो ये भी छोटा हो जाता है। What? हाँ, एक बार ना मैंने मेरी शर्ट मामा के घर के वॉशिंग मशीन में धोने को डाली थी तो वो छोटी हो गई थी मालूम। पंड्या प्लीज प्लीज अपने पापा को समझाना। अगर मैं या मिनका खो गए और गायत्री दीदी किसी और के दो बच्चे लेके आए और बोले कि आप ये वाले मिनका और ये वाले बंडिया से काम चला लो, तो आपको चलेगा? नहीं, मेरे को मेरा ही बंडिया और मेरी ही मिनका चाहिए। बस इसी तरह मुझे भी मेरा अपना बिस्किट चाहिए अमोल भैया। Please try to understand. इस अप्रतिम शाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र बाबू। बहुत महंगी लगती है ना? हाँ, दुकान वाला तो पूरे 5 लाख बोल रहा था। फिर हम लोग ने बार्गेन किया, पूरा भाव तल किया और बोला कि देख ना तेरा ना मेरा, 3.5 लाख में डन कर। और उसने डन कर दी तो हमने उठा ली 3.5 लाख। अरे बाबा न करो बाबा न। अरे अन्ना साहब ये फेंका फेंक कर रही है। हाँ तो अरे अभी गिफ्ट में क्या सस्ता महंगा ऐसा सब सोचने का। हाँ। प्यार से रख लेने की, आप एंजॉय करो ने। बिल्कुल सही कहा आपने शर्मिला बहन। है ने? थैंक यू। उर्मिला बहन, मैंने जानबूझकर आपको शर्मिला बहन कहा। हाँ सुना मैंने। अरे तो, अरे तो क्या, तो दोनों सेम ही हुआ ना। उर्मिला और शर्मिला दोनों के पीछे मिला आता है कि नहीं? क्या आप भी बाल की खाल निकलने बैठ जाते हो अन्ना भाई? अन्ना साहब आप इसको नहीं पहुंच पाएंगे। अन्ना साहब और आप सब लोग, आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि गिले शिकवे भूल जाते हैं ना, और कल शाम को हमारे घर सब साथ मिलके डिनर करते हैं। अरे खाना खाने आप हमारे खोटे बात। इस मामले में भावताल चले गई नहीं, आप सबको कल शाम को हमारे घर पे डिनर पे आना है, मतलब आना है। वो बरोबर है, लेकिन आपका वो कुतरा वो बिस्किट बिस्किट मिल तो जाए पहले, उसके बाद में दावत विवत की बात करेंगे ना। यहाँ हमारा बिस्किट जल्द से जल्द अभिषेक को मिल जाए तो सारू का महेंद्र। <दुण। laughs>
बेचारे की आंख का समंदर गहरा हो। गप्पा बसा वरना उसमें अन्ना सुनामी लाएंगे। ये रोया की बजा। बोलो बोलो तुम बोलो आहो आहो। बोला आहो बोला आहो 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 आहो। बिस्किट 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 अरे अन्ना ये बगीचा लगा पुणे सांस्कृतिक विभाग की ओर से हमारी दुकान के नाम पे ये गुलदस्ता आया है। महाराष्ट्र उद्योग समूह से भी आया है देखिए। हाँ प्रतीम क्या मस्त गुलदस्ता है। कार्ड भी है लगता है। पढ़ो पढ़ो कार्ड पढ़ो। वाचा समुंदर ए? वजन मरो क्यों वजन मारू तेरे सिर पे। इसमें कहां से आ गया तेरा गाना समंदर खारा होता है दाल खारी होती है। अन्ना मेरा गीत नहीं आप बोलने तो दीजिए क्या लिखा है। समंदर सागर दरिया समान। मच गया रे। समंदर सागर दरिया समान गोखले बंधु की वो दुकान सागर की गहराई जैसी विरासत है बड़ी। वाह सबसे चटपटी गोखले बंधु तेरी भाखर बड़ी। फाड़ दे कार्ड फाड़ दे। अरे रुको 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 वो पेड़े और चिवड़े के साथ गुलदस्ता मुफ्त देते हैं। अरे दे 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 वो गुलदस्ता दे दे। अरे फोकट में दे रहे लेके जाओ लेके जाओ। भाखरवड़ी लिखता है भाखरवड़ी लिखता है। ये सबको समझाना पड़ेगा क्या कि असली होती है भाखरवड़ी पुणेरी भाखरवड़ी। हाँ बोलो क्या चाहिए। आपके पास लसुन वाली गुजराती भाखरवड़ी होगी। वो वहां पे है ना एक दुकान खुलने वाली है गायत्री नमकीन बिमकीन तो वो वहां पे आपको मिल जाएगी। पर वो तो अभी खुली नहीं है ना तो आपके पास मिलेगी लसुन वाली गुजराती भाखरवड़ी। ओ ओ भाऊ आप खुदकुशी करने के लिए निकले हैं क्या। अरे अरे ए, ए, केशव डरा मत रे बेचारे को। आजा आजा इधर आजा। क्या नाम क्या है तेरा। जिग्नेश मेहता। बरोबर जिग्नेश मेहता फिर बरोबर। क्या कामकाज क्या है तेरा। जी कामकाज करता होगा ना बेटा। हाँ रोजी रोटी कमाने के लिए गुजराती जिग्नेश मेहता। मेरी दवाई की दुकान है। अरे वाह तो वहाँ नकली दवाई भी बेचता होगा ना तू। जी नकली क्यों बेचूंगा। तो फिर मैं क्यों बेचूंगा नकली भाखरवड़ी। नकली भाखरवड़ी चाहिए ना तो उधर से लेना वो गायत्री नमकीन की दुकान से समझा। जिग्नेश मेहता राम राम चलो। क्या क्या प्रभाकर दादा क्या। अरे एक ग्राहक ने आके गुजराती भाखरवड़ी मांगी तो उसमें हमको खतरा कैसे हुआ। मेरा प्रभाकर अरे वो बेचारा गुजराती था तो गुजराती नमकीन मांगा। अच्छा है ना बेचारे महेंद्र भाऊ को एकाध गिराक तो मिलेगा। बाकी तो मुझे चिंता हो रही है। दुआ करना है दुआ करना महेंद्र भाऊ के लिए दोस्त है हमारे कि उनका ज्यादा नुकसान ना हो। क्योंकि क्या है ना वो गुजराती स्वाद वाला नमकीन पुणेरी लोग पसंद नहीं करेंगे नहीं ही करेंगे है कि नहीं बोलो। हाँ ये एकाध गिरेक आ गया अभी देखना सीधा एक डेढ़ साल के बाद में दूसरा गुजराती गिरेक आएगा। बाकी तो इधर आज ही बोलो क्या चाहिए। इधर वडोदरा वाली गुजराती भाखरवड़ी मिलेगी। अरे गायत्री अरे गायत्री अरे बड़ा तुम्हारे साथ में वो अभिषेक अमोल वो बंड्या तुम्हारे साथ में थे ना। वो अभिषेक बिस्किट को ढूंढने गया है अमोल भैया को बंड्या कुल्फी खिलाने। अरे तो तुम्हारा कुतरा मिला नहीं और वो कुल्फी खा रहा है वो अमोल। नहीं अंकल वो अरे 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 इतना दुखी मत हो रहे बाड़ा। अरे बाबा इसकी आंख से तो टपोरे आंसू निकल रहे हैं। हौसला रखो गायत्री आंखों को समंदर की तरह मत बहने दो क्योंकि
समंदर खारा होता है। और रुलाएगा क्या मेरे बच्चे को? रुक तो बस। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। विभू शांत हो जाओ मेरे विभू। अभिषेक गया है ना विभू, मिल जाएगा कुतरा। अन्ना वो विभावरी नहीं गायत्री है। अरे तो दोनों सेम है ना प्रभाकर दादा? नहीं म्हणजे अगर उर्मिला वहिनी यहां होती तो बोलती ना कि गायत्री विभावरी सेम तो है। आप भी क्या माल की खाल निकालने बैठ गए अन्ना साहब, है कि नहीं अन्ना?